हाँ जी मैम, आपने बुलाया, सही टाइम पे आया बिल्कुल। एक काम कर, ये बैग उठा और ये लेकर के ना मेरे साथ ऊपर चलो। लेकिन मैम आपने तो मुझे ऑफिस के काम से बुलाया था ना। मैं तेरी मैनेजर हूँ ना, तो ऑब्वियसली जो भी काम बोलूंगी ऑफिस का ही होगा। इसको उठा करके ऊपर चल। रिंकी, ये तेरा प्यून कितना बोल रहा है, इसको जो काम बोला है वो चुपचाप कर नहीं सकता क्या? अरे ओ, यहाँ खड़े होके वेट क्या कर रहा है लिफ्ट का? इस लिफ्ट के मेंटेनेंस के पैसे ना हम अपने लिए देते हैं, तेरे जैसे प्यून के लिए नहीं। चुपचाप बैग उठाओ और सीढ़ियों से आओ ऊपर। लेकिन मैम सीढ़ियों से क्यों? हाँ तो तेरे पैरों में जंग लगा हुआ है क्या जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता? और एक बात बता, तेरी मैनेजर है ना, इतना जबान क्या लड़ा रहा है उनसे? जो बोल रही है वो कर नहीं सकता? अपनी जॉब प्यारी नहीं है? चुपचाप बैग लेके ऊपर आ, वो भी सीढ़ियों से। लेकिन मैम ये बैग तो बहुत भारी है ना। हाँ भारी है, तो अगर तूने इस बैग को नहीं उठाया ना तो तेरी जेब जरूर हल्की कर दूंगी मैं। समझ आ रहा है तेरे को मेरे कहने का मतलब क्या है? अब चुपचाप निकल यहाँ से सीढ़ी से। जी मैम बताइए, आपने किस लिए बुलाया था? एक काम कर, वो बर्तन पड़े हैं गंदे, बर्तन धो दे जा करके। मैम आपने तो मुझे किसी ऑफिस के काम के लिए बुलाया था, मुझे लगा कोई फाइल लेनी है। बुड्ढे तेरे को एक बार में समझ नहीं आती क्या? बाहर भी तेरे को समझाया था ना कि मैं तेरी मैनेजर हूँ और मैं तुझे जो भी बोलूँ जैसा भी काम बोलूँ सब कुछ तेरे लिए वो ऑफिस का ही काम होगा। अगर तेरे को अपनी जॉब प्यारी है तो चुपचाप जा, जाके बर्तन धो दे। और हाँ, बर्तन के बाद हमारे लिए चाय भी बना दियो, क्योंकि तेरी ये बकवास सुन के ना हमारा सर फट रहा है। अब जाना, खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? अरे रिंकी, तेरे प्यून कितना चूचपड़ करता है, बाहर भी तुझसे बहस कर रहा था, यहाँ भी बहस कर रहा है। तेरे को एक काम बोला, चुपचाप किया नहीं जा रहा तुझसे? और तेरी औकात का ही काम है बर्तन धोना, वो तो बाथरूम साफ पड़ा है, नहीं तो तेरे से वो भी साफ कराते हम। बहस कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, एक तो प्यून है, एटीट्यूड इसका बॉस वाला है। अबे ओ बुड्ढे, एक भी बर्तन टूटा ना तो तेरी सैलरी कटेगी, समझा? आराम से दो। लीजिए मैडम चाय। चाय तो ठीक ठाक बनाई है तूने, बच गया तू, वरना तेरी सैलरी ना इस महीने की घाटे में आ जाती। लेकिन मैम आपने तो मुझे ऑफिस के काम के लिए बुलाया था और आपने मुझसे घर का काम करवा लिया। वो एक्चुअली क्या है ना, आज हमारी मेड नहीं आई है और तू यहीं से जा रहा था तो हमने सोचा तेरे से काम करा लेते हैं, और अब मोस्टली घर का काम हो ही गया, अब तो जाए यहाँ से। और वैसे भी ऑफिस में इतना काम तो होता नहीं है, तो सोचा तेरे को यहीं पे थोड़ा सा घिस डाले। अब जा तू, चल बाय। हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ मैंने आप दोनों को बुलाया है। एक्चुअली मैं आप दोनों को जॉब से निकाल रहा हूँ, तो आप कोई और जॉब ढूंढ लीजिए। क्या सर, सर ऐसा क्या हो गया जो आप एकदम से ऐसा डिसीजन ले रहे हैं? और हम तो ऑफिस के सबसे अच्छे एम्प्लॉयज हैं ना, और हमें तो प्रमोशन भी मिलना है। हाँ जी सर, और आप अच्छे से जानते हैं पिछले 6 महीने की जो परफॉर्मेंस रही है वो हम दोनों की सबसे बेस्ट रही है। आप अचानक से ऐसे डिसीजन कैसे ले सकते हैं? हमें तो लगा सर आपने हमें यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमें प्रमोशन मिलेगा, लेकिन आप तो हमें जॉब से ही निकाल रहे हैं। एक्चुअली मुझे कंप्लेंट आई है तुम दोनों की कि तुम्हारा बिल्कुल भी बिहेवियर अच्छा नहीं है जूनियर एम्प्लॉयज के साथ। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ आपको, सब लोग ना हमसे चिढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है और सबको पता है कि हमें प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, इस वजह से आपसे हमारी झूठी कंप्लेंट कर रहे हैं। सर वैसे ये कंप्लेंट किसने की आपसे?
मैं आपको मिलवा ही देता हूं। नितिन काका, बताइए काका, ये आपके साथ में कैसे बिहेव करती हैं दोनों? सर, ये दोनों मुझसे अपने घर का काम करवाती हैं और मैं अगर इन्हें मना करता हूँ तो ये मुझे ऑफिस से निकालने की धमकी देती हैं। मुझे ऑफिस में काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि इन दोनों के घर का। और सर, ये दोनों मुझे काफ़ी जलील करती हैं, मुझसे चाय, घर के बर्तन, झाड़ू वाड़ू लगवाती हैं। अब आप ही बताइए सर, क्या मैं ये सब करने के लिए हूँ? सर, ये झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली सच ये है कि इन्होंने हमसे पैसे उधार मांगे थे और हमने मना कर दिया। बस यही रीजन है कि हमारे बारे में झूठ बोल रहे हैं। आप सर इनका बिलीव मत करो, ये प्योन है यहाँ के। आप दोनों को झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जो भी बिहेव कर रहे थे ना काका के साथ में, काका ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली थी और मुझे वो सुना दी थी। और फिर मैंने बाकी और इम्प्लॉय से भी पूछा था, तो सभी की यही कंप्लेंट थी कि आप दोनों का बिहेवियर अच्छा नहीं है। ठीक है, आप दोनों यहाँ पे सीनियर हैं, रिंकी आप तो इनफैक्ट मैनेजर है, इसके बावजूद आप अपने बाकी इम्प्लॉयज़ के साथ में इतनी बदतमीज़ी करती हैं। मैं मानता हूँ कि आपकी क्वार्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आप दोनों डिज़र्व करती हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी इम्प्लॉयज़ की इज्जत नहीं करोगे, उनसे अपने घर के पर्सनल काम करवाओगे। तो प्लीज़ सॉरी, मैं आप दोनों को जॉब से निकालता हूँ, आप कोई और जॉब ढूंढ लीजिए। सर प्लीज़, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से हम दोनों ध्यान रखेंगे। प्लीज़ सर, हमें जॉब से मत निकालिए। हाँ सर, हमारे इतने सालों की मेहनत है, इतनी अच्छी पोस्ट पे इतनी मुश्किल से पहुँचे, प्लीज़ जॉब से मत निकालिए। चलिए ठीक है, मैंने आप दोनों की बात मानी। क्या आप काका के घर में जाके उनके घर का काम करेंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, बर्तन मांजेंगी? तो ठीक है, मैं आपको जॉब से नहीं निकालता। ठीक है सर, हम कर देंगे काका के घर का काम, लेकिन प्लीज़ हमको जॉब से मत निकालिए। चलो अच्छी बात है, अगर आप दोनों को ये बात समझ में आई है और आप रेडी हैं काका ये घर में काम करने के लिए। मैं काम उनके घर इसलिए नहीं करवा रहा कि मैं आप दोनों को नीचा दिखाना चाहता हूँ, मैं आप दोनों को ये एहसास कराना चाहता हूँ कि जब आप दूसरों के साथ में मिसबिहेव करते हैं तो कैसा लगता है, जब कोई ऑफिस के एम्प्लॉय से घर का पर्सनल काम कराए तो कैसा लगता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आगे से आप दोनों की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। जी सर, आगे से आपको कभी कंप्लेंट का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यही बताने की कोशिश की गई है कि हमें अपने बाकी कुलीग्स के साथ में, खासकर अपने जूनियर्स के साथ में रिस्पेक्टिवली बिहेव करना चाहिए, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। दरअसल ऐसा होता है कि जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जूनियर एम्प्लॉयज़ को अपना नौकर समझते हैं, पर देखा जाए तो आप रैंक में उनसे ऊपर हैं, लेकिन आप दोनों ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ का अहंकार कभी नहीं पालना चाहिए कि मेरी सैलरी ज़्यादा या मेरा ओहदा ज़्यादा बड़ा है कंपनी के अंदर। बाकी हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे समाज के अंदर जागरूकता है। आप बस हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमें आपकी शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, मेरी आई डी है विनय शर्मा 989, मेरी पूरी टीम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, आप मेरी आई डी में जाके उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी कुछ आप रेकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।